बिजनौर के शेरकोट में एक सप्ताह पूर्व किशोरी का शव मिलने के बाद पुलिस जांच कर रही थी। विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए गए किशोर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि अमानवीय तरीके से प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ कर दबाया गया है और मारपीट भी की गई है, जिसकी वजह से युवक को हायर सेंटर किया गया है। एक सप्ताह पूर्व किशोरी का शव मिलने के बाद पुलिस कर रही थी जांच। आपको बता दें कि मामला थाना शेरकोटे से है, जहां कुछ दिनों पूर्व खो नदी में डूबकर मरी खुशबू सैनी के मामले में शेरकोट पुलिस ने धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुहागपुर निवासी एक 16 वर्षीय हर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। परिजनों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने अमानवीय प्रताड़ित किया है, जिससे युवक की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर प्राइवेट अस्पताल में दौड़े, लेकिन किसी ने भी भर्ती नहीं किया। बाद में उसे CHC धामपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है, जहां से उसे जिला बिजनौर रेफर कर दिया गया है। दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामपुर के प्रभारी डॉक्टर चंदन पांडे ने बताया कि किशोर की हालत चिंताजनक होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बिजनौर रेफर कर दिया गया है। बिजनौर के धामपुर से इसरार अहमद की रिपोर्ट। नाम है आपका? योगराज सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सुहागपुर। अच्छा, आपके बेटा यहाँ अस्पताल में भर्ती है, क्या पूरा मामला है? हाँ, बेटा अस्पताल में भर्ती है। क्या परेशानी है इसको? परेशानी डॉक्टर साहब का काम। अच्छा, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? बेटे के साथ मैं स्कूल से लाग कर सिरकोट गया था जी, पुलिस उन्होंने बुलाया था दरोगा जी। अच्छा, लेकिन हम मेरे ध्यान नहीं आया अभी जी, उनके बुलाने से मैं चला गया। फिर जग के उन्होंने वहाँ अंदर गया, उन्होंने बुलाया, अंदर जग के उन्होंने जैसे लड़के को मुझे बाहर कर दिया कमरे से, और लड़के को अंदर बुला लिया। उसे बुलाते ही उसके साथ उन्होंने क्या करा है। तो आपके बेटे ने क्या बताया फिर? उसके ये क्या कह मैं इन्हें, हाँ टाइवेट पार्ट ये बेचे उसके बढ़तों के साथ ही, पहले यही बेचे उसके प्राइवेट पार्ट भेज दिए। हाँ, आपके बेटे ने बताया आपको? हाँ, दो तीन चपत भी मारे, चपत तो चलो चार मार लेते, मगर ये नहीं बेचने, इसका इसकी हालत खराब है जब से, ये तो वहीं बेचैन हो रहा था। बुला तो पकड़ के पहले तो दो सिर पे मारे, एक पेट में, फिर प्राइवेट पार्ट बाहर जो बोलते हैं बेच दिया। पुलिस थाना शेरकोट की पुलिस ने? हाँ। किस समय बुलाया था आपको? मैं स्कूल की छुट्टी के बाद गया था, 2 बजे के करीब। 2 बजे के बाद का काम? आपके पापा भी आपके साथ थे, तो पुलिस ने आपके पापा के सामने ये सब किया या इन्हें हटा दिया था? पापा जी को बाहर भेज दिया था और कमरे में पर्दे लगा दिए थे। तो आपके प्राइवेट पार्ट पर मारा है शेरकोट पुलिस ने? हाँ, पकड़ के बोलते दबा दिए। नाम है आपका? डॉक्टर चंदन पांडे। लक्षा भाई, एक सुहागपुर का पेशेंट आपके यहाँ आया है, हर्ष चौहान करके, सुहागपुर से 16 साल का एक लड़का आया है जिसको सांस लेने में दिक्कत है। तो उसकी दिक्कतों को देखकर हमने उसको प्राथमिक उपचार दे दिया है और हायर ट्रीटमेंट के लिए बिजनौर पे रेफर कर रहे हैं। और कोई परेशानी दिखाई दे रही है डॉक्टर उसको? पेट में दर्द है तो उसके लिए दवा दे दिया है। क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं? तो राज ऑटो मोबाइल्स नजीबाबाद आपके लिए लाए हैं एकदम धमाकेदार ऑफर, केवल 39,500 में 1 साल की वारंटी के साथ, जो एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर चलती है। बुकिंग ऑफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा, डिलीवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी जो कि दिवाली तक रहेगी। ये ऑफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा। अगर आपको भी कम दाम में मजबूत स्कूटर चाहिए तो आज ही बुकिंग करें। कॉल करें 7078820077। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।